नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज विंग में और दिन भर की खास खबरों के साथ मैं हूं संध्या। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से। राज्यपाल रमेश बैस ने HEC के पुनरुद्धार के लिए पहल की है। उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे से मुलाकात की। बातचीत के क्रम में HEC की वर्तमान स्थिति और पुनरुद्धार के भी संदर्भ में चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने राज्यपाल को आश्वस्त करते हुए कहा कि संबंध में लगातार विभागीय स्तर से मंथन करते हुए जरूरी पहल किए जाएंगे। चारा घोटाला मामले की जांच अब परिवर्तन निदेशालय करेगा। ED ने RC 38A/96 और RC 45/96 केस को टेक ओवर किया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले के अन्य दोषियों के खिलाफ जांच की जाएगी। मृतक आरोपियों के बारे में अदालत ने कहा कि अगर उनकी मृत्यु भी हो जाती है तो उन्हें नागरिक देनदारियों से मुक्त नहीं किया जा सकता है और मृतक आरोपी या उनके रिश्तेदारों के कब्जे में मिली संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से भोजपुरी और मगही को बाहर किए जाने के फैसले को लेकर सरकार में शामिल सत्तारूढ़ दल राजद ने आपत्ति जताई है। प्रदेश राजद के कार्यकारी अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने साफ कहा है कि राज्य सरकार को भाषाई विवाद में नहीं फंसना चाहिए। CM हेमंत सोरेन को ऐसे विषयों पर अनावश्यक जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। मगही और भोजपुरी झारखंड में जो रहने वाले लोग हैं उनका ये भाषा है और वैसे राज्य के विभिन्न जिलों में अलग अलग भाषाएं हैं, तो इस पर भोजपुरी और मगही और अंगिका को लेकर के कोई विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस राज्य को हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने में सारे लोगों का सहयोग है। इस राज्य में जो रहते हैं, जो जन्म लिया, जो पढ़ा है, भाषा है, हम अगर आदिवासी बोलेंगे तो कोई हमको थोड़े रोक देगा, कोई अगर खोरठा बोलेगा तो कोई रोक तो नहीं देगा इसको। इसलिए भाषा विवाद के झंझट में सरकार को नहीं फंसना चाहिए। हाँ, वो एक निर्धारित करें और जल्दी में कोई कार्रवाई नहीं करें, सरकार को इसमें गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेना चाहिए ताकि विरोधियों को कोई अवसर नहीं मिले, राजनीतिक अवसर नहीं मिले। लेकिन अब तो हटा दिया गया है SP, आप लोग क्या है? हटाना और जोड़ना ये तो सरकार का काम है, ये कोई बड़ी काम नहीं है। कहने मतलब आपका कहने मतलब जोड़ा जा सकता है? एकदम क्यों नहीं जोड़ा जा सकता है, सरकार है, सरकार इसीलिए तो है कि हम आवश्यक चीज को जोड़ेंगे, कभी हटाएंगे, ये सरकार का काम है। जनता इसीलिए अपना प्रतिनिधि चुनती है, अपना सरकार बनाती है कि हमारा जो काम है, हमारा मान और सम्मान, हमारा तहजीब, हमारा रहन सहन बोली सबका ये मिले, सम्मान मिले। इसलिए भाषा पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए और बेवजह मुख्यमंत्री को इसमें फंसना नहीं चाहिए। झारखंड में एक मार्च से रांची समेत 7 जिलों में पहली से लेकर 8वीं तक के क्लास खुल सकते हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि 24 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। के बाद स्कूलें खुल जाएंगे, हम तो बात करें केंद्र विज्ञा मौके खोल रहे हैं, बात करना होगा, आपदा की बात है, बिना आपदा के बात किए कैसे खोल रहे हैं। हम अपने परिस्थिति में खोल रहे हैं, कल्याणपुर लिखिएगा। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने लोगों की फरियाद सुनी। इस दौरान पंचायत सचिव अभ्यर्थी भी पहुंचे और मंत्री के सामने अपनी समस्या रखी, जिसके बाद ग्रामीण विकास मंत्री ने आश्वासन दिया कि 24 फरवरी को कैबिनेट है, तब तक इंतजार करें। इस दौरान कई अभ्यर्थियों के आंसू छलक आए। पंचायत सचिव का जो मामला है, ये मामला आज का नहीं है, लंबे समय का है और हमारे पहले जो सरकार था उसका चयन किया गया था, पर्याप्त समय मिलने के समय रहने के बावजूद उन लोग का चयन नहीं किया था। हम लोग उसको दिखवा रहे हैं और आश्वासन भी हमने दिया है कि 24 तारीख का कैबिनेट में हम लोग इस बात को रखने की काम करेंगे और जितना भी हो सकेगा उन लोग के लिए करेंगे। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज विंग के साथ। नमस्कार। We have like very less facilities in terms of, you know, education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridi, those who are leaving the town and going outside for, you know, studies, their higher studies and their education.
I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn, you know, this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, you know, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.